बात करते हैं जी आज के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की। तो आज का जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है थोड़ी सी तो चिंताजनक है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी फाइनली अपने भाई के जनों के कार्यक्रम से हम आ गए हैं जी घर। जब हम आ रहे थे कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा हम थक चुके थे। यहाँ पर हमारा डायरी और चश्मा रखा हुआ है, इसको हटाया जाए यहाँ से। तो चलते हैं जी दुकान, दुकान से जा करके थोड़ा सा दूध ले आते हैं। कलष्टमी का व्रत है, क्या चाहिए? सिंधा नमक। सिंधा नमक उसके बाद और सिंधा नमक और कुछ नहीं, और सब कुछ मेरा शुद्ध है। इसलिए कि हम वैष्णव हैं। चना है दीदी, तुम जो चना कही थी चना घर में है, मिला तुमको? थोड़ा सा था चना, निकल फूल ने दिए थे, अब उसमें है कि नहीं और तो आ जाते फिर फूल में। कोई नहीं, हम ले आते हैं फिर भी एक किलो अपने। तुम ले आओ, कल अष्टमी व्रत है तो संधा नमक आज पड़ेगा सब्जी में, दाल में। तो हम जब सोनू को बोले कि जाओ ले आओ दुकान से, हमको मोनू की याद आएगी बचपन। अच्छा, तो उसको कहीं भेजते थे ना तो नहीं जाता, तो उसके पापा बोलते थे जो जाओ आयोडीन नमक। तो मोनू बोलता ठीक है पैसा लाओ। तो मोनू सिर्फ आयोडीन नमक लाता था, वो समझता प्रचार टीवी में देखता था ना, तो लगता था आयोडीन नमक कुछ और चीज है, इसलिए लाने से हमारी प्रतिष्ठा ऊंची हो जाएगी, इसलिए जाता। कल संधा नमक दीजिएगा। कितना? एक पैकेट जो होता है दो दे दीजिए। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, कितना हुआ? पैसा याद ना है काला नमक के आगे। भाई साहब यहाँ तो बकरियों का जमावड़ा लगा हुआ है, एक लाइन से बैठी हुई है सारी बकरी मजे में। ये लो दो पैकेट लेते आए। तो जी आप चल रहे हैं डॉक्टर के पास जिया को लेकर के। जिया का एक रूटीन चेकअप होना है, आखिरी मंथ इंटर कर चुका है, तो एक में इस महीने जा करके एक बार विजिट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है प्रोग्रेस। तो चलते हैं वहाँ पर। मैंने जी डॉक्टर से दिखवा लिया जिया को, उसके बाद अल्ट्रासाउंड दिखा दिया है, अल्ट्रासाउंड अभी हमने करवाया है। और वहाँ पर जब गए तो मालूम चला अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, और जो बेबी का पोजिशन है उसने हेड डाउन भी कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल यही अच्छी बात है। और बाकी देखते हैं क्या होता है कैसा होता है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आएगा, डॉक्टर से दिखाएंगे, जो भी मेहनत बात होगा उन्हीं से पता चलेगा। फैमिली जी आ गए हम लोग डॉक्टर के यहाँ से, और हम लोग का जो है खाना पीना हो गया है। तो आज जो है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट भी आया तो आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है तो आपको बताएंगे वीडियो के लास्ट में। 2 hours later. तो जिया अभी सो करके उठी है जी, तो जैसे ही उठी तो इसको मिल गया सरप्राइज। तो जिया का यहाँ जो है मन पसंदीदा सब्जी बढ़िया रहता है, डैडी को खिलाइए, वैसे भी शरीर का दर्द दूर करता है। 90% के लिए मतलब फूफा जी गए थे लेने के लिए, रुको तब दे देंगे उनको। सबके लिए अच्छा होता, सबके लिए होता है। ऐसे कहे उठा रही है, कुछ झोला लाओ ना जी। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, भूख लग रही है जबरदस्त, तो कुछ आज अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि आज हमें ब्रेड खाए, जब बहुत दिन से ब्रेड खाया नहीं है, और सैंडविच बनाने का भी सारा सामान सब है ही, तो जल्दी से जा करके ब्रेड ले आते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं बनाने के लिए तो हमने सोचा कि सैंडविच ही बना लेते हैं, और पतिदेव गए ब्रेड लाने के लिए, ब्रेड खत्म हो चुका था, तो उससे पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। देख सकते हैं कितना गंदा हो गया, बहुत दिनों से हमने यूज नहीं किया, पहले इसको साफ करते हैं फिर आगे बनाते हैं। फाइनली ले लिया जी हमने सारा सामान, अब सीधा चलते हैं घर। मौसम क्या मस्त है जी, जबरदस्त है, एकदम हवा बह रही है ठंडी ठंडी, लेकिन बारिश नहीं हो रही। यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कब एक बार बारिश हो। जहाँ हम गए थे अपनी बुआ के यहाँ, वहाँ तो देखे थे गांव में बारिश हुई थी, लेकिन जो सिटी था अररिया, वहाँ पूछा लोगों से उसके बारे में, बता रहे थे कि नहीं सिटी में बारिश नहीं हुई है, गाँव में बारिश हुई है। पता नहीं क्या चल रहा है अभी। हाँ जी आ लेना, कहाँ गए? ये लो पता, ब्राउन ब्रेड नहीं तो यही था अभी जो था वो ले लिए, क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। पे जो भी हमारे पास है अभी खीरा टमाटर और ये प्याज तीनों को काट लेते हैं। पे हमारा सब कुछ कट गया है, अब चलते हैं बनाने के लिए, है ना? आप काम करिए जल्दी जल्दी से। बिल्कुल जी। बन चुका है और ये खा रहे, बताइए कैसा लगा? अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता था, जैसे कि खीरा और प्याज उनको ब्रेड में डालने से पहले जो है थोड़ा सा उससे पका लेते हैं, इसका कच्चापन दूर हो जाता है। यहाँ और यहाँ जूठा लगा हुआ है आपका, उनको क्या मालूम क्या लगा हुआ है, खाने के बाद धोएंगे हम। ऐसे भी हम कुछ भी बनाते हैं इनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत जरूर होती है। नहीं सैंडविच के मामले में तो हमको लगता है कि हमको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है। अच्छा, क्योंकि हम ही बनाते थे ज्यादातर टाइम। खाइए चुपचाप से, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा इसमें, जैसे बनाए वैसे बनाएंगे। इससे तो खा रहे हैं, आपसे पूछ क्यों नहीं। जी अभी जा रहे हैं पड़ोस की आंटी के यहाँ, मम्मी वहाँ पर गई हुई है,
मम्मी ने बुलाया हमें भी। तो आज है जी चैती छठ। मेरी माँ तो छठ करती है, साल में शायद दो तरह का छठ होता है, एक होता है चैती छठ और एक जो छठ होता है। बिल्कुल जी, तो हाँ तो माँ वो वाला करती है, ये वाला तो नहीं कर रही है। हमारे पड़ोस की एक आंटी है वह करती है, तो सीधा चलते हैं वहाँ पर, पूजा भी आपको दिखाते हैं, साथ में प्रसाद भी लेकर के आएंगे। तो आपने देखा जी यहाँ पर मामी कर रही है छठ। कौन कौन है व्रत में? व्रत में सिर्फ मामी है। अच्छा, चैती छठ जो है तो हम लोग के यहाँ सब लोग नहीं करते हैं। हाँ हाँ, लेकिन मेरी भाभी करती है, उन्होंने सबको बुलाया, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, सभी भाई बहन और हमारी दीदी एक कहावत है, ऐसा भाग किसी का नहरे पिया के हरे भाग, नहरा अति घरे बैठल देखे बात है। अच्छा, मेरे भाभी लोग सिर्फ मजाक करते हैं, एक प्लेट सब्जी आज तक नहीं दी है। अच्छा, लेकिन फिर भी भाई सब का मुंह देख के हम हर बार, लेकिन बहन लोग कहा कितनों भी दे देने के बाद बहन कभी नहीं कहती है कि हमको यह चीज मिला। अच्छा, ये मेरी भाभी की सबसे छोटी बहू है। अच्छा जी, मोबाइल में देखा है। अच्छा, मोबाइल में देखा है हमको, देखते हैं। हाँ, जाते हैं, होता है नया वाला बहू जो है ना। हाँ, अच्छा सुना भी है बेटा। तो देखा जी वहाँ पर चल रही है पूजा, तो वहाँ से तो हम आ गए अपने वहाँ काम पर लगेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये है जी हमारा वेटिंग मशीन, जो कुछ दिनों पहले ही हमने खरीदा था। अब क्या करते हैं, एक बार जो जिया का वेट चेक करते हैं इसके ऊपर। आज गए थे डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ तो जिया का वेट था लगभग कितना था, 55 था। तो इसमें देखते हैं कितना आता है। तो इसमें भी अगर 55 रहा तो समझ जाएंगे ये मशीन ठीक है। खड़ी हो जाओ, इस साइड से खड़ी हो जाओ, एक पैर पहले रख के बस एक्टिवेट करो। हाँ, हटाओ, हाँ फिर करो। कितना है इसमें दिखा रहा है, 55.6, उसमें 55.4 दिखा रहा था। तो ठीक है, 200 ग्राम का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जो है जी, अच्छा वो भी बात है, तो कुछ ग्राम तो ऐसे ही बढ़ गया है तुम्हारा। अब जो है जिया का ब्लड प्रेशर देखेंगे। वेटिंग मशीन तो हमने देख लिया, वेटिंग मशीन सही से काम कर रहा है। अब देखते हैं हमारा जो है बीपी का मशीन, यह सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो जिया का वहाँ पर रीडिंग था 110/70, तो इसमें देखते हैं क्या रीडिंग में आता है। जिया का रेटिंग देखते हैं जी, इसमें कितना आता है। वैसे अभी कैसा लग रहा है, चक्कर जैसा लग भी रहा है क्या? नहीं, अभी ठीक है। अभी ठीक है, रेटिंग में तो अभी आ नहीं रहा है, इतने देर में हम लोग का तो आ जाता है। तुम्हारा जो है कुछ स्पेशल केस रहता है, 84/41, इसमें तो बहुत कम दिखा रहा है। एक बार फिर से चेक किया जाए, करते हैं एक बार फिर से चेक, ऑफ और ऑन, ठीक है। फिर वही आ रहा है, मतलब गड़बड़ है तुम्हारा कुछ। तो हमने जो अपना बीपी चेक किया है वह तो ठीक दिखा रहा है जी, 120/80, तो ठीक ही है। बाकी जिया का जो है बहुत ज्यादा कम है। तो फाइनली जी हम लोग यहाँ पर आकर के बैठ गए, इसका बीपी चेक कर लिया, वेट चेक कर लिया। वेट तो ठीक था, लेकिन बीपी जो है थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है। तो जिया का जो है बीपी लग रहा है इस समय ऊपर नीचे होते रहता है, और हमें लगता है कि जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक ही हो जाता है। तो डॉक्टर भी सोचती होगी झूठ तो नहीं बोलता है ये, भगवान जाने जी। तो जी अब बात करते हैं जी आज के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की। तो आज का जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है थोड़ी सी तो चिंताजनक है, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड वह कर रहे थे तो उसने बताया ब्रिज। तो ब्रिज का मतलब हमने पूछा, क्या है ये ब्रिज का मतलब? तो ब्रिज का मतलब उन्होंने बताया कि जो बच्चे का नाल होता है वह गले के पास आ चुका है। तो यहाँ हमें लगा कि थोड़ी सी चिंता की बात है, और हमने पूछा कि यह जो है ठीक हो सकता है। तो कहे कि हाँ हाँ, यह जो है अभी, क्योंकि अभी जो बेबी का मूवमेंट हो रहा है तो अभी वह घूमता भी रहता है, तो हो सकता है कि वह ठीक हो जाए। तो हमने कहा कि बाय चांस अगर ठीक नहीं हो तो वह फंसा रहे तो तब कहे कि तब तो निकालना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि अच्छा है तो मतलब सिजेरियन हो जाएगा फिर, तो फिर नहीं होगा नॉर्मल डिलीवरी? तो उन्होंने कहा कि देखो सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी में जो है ऐसा कुछ नहीं है, सिजेरियन से भी बच्चे जो है हेल्दी रहते हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम जो है पूरा प्रयास करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो। अभी वो घूमते रहता है तो हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड के टाइम वो घूम गया हो तो फिर दिखा दिया हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना।
वैसे अभी मोमेंट बिल्कुल जी, जब हम लोग लास्ट टाइम अल्ट्रासाउंड करने गए थे तब बेबी का जो है हेड अप था और अभी बेबी का जो हेड डाउन था, तो हमें तो लगा कि चलो एक अच्छी खबर है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आया हमारे पास और डॉक्टर के पास गए तब हमें पता चला कि कुछ ऐसा ऐसा इशू है। तो आप लोग दुआ कीजिए जी भगवान से कि सब कुछ सही रहे, अभी तक तो सब कुछ सही चलते जा रहा है और कुछ ना कुछ अप डाउन तो ऐसे स्टेज में तो आता जाता रहेगा ही, तो उसके लिए तो हम लोग तैयार है ही और भगवान पर भरोसा है जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको। हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।